हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबीटेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो सैमसंग का M40 मॉडल है, इसका FRP बाईपास कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसका बाईपास करके दिखाऊंगा आज मैं आपको, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बीच में, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास एक मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग M40, तो इसका आज FRP रिमूव करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मेरे चैनल में जो भी वीडियो मिलेगा सब 100% टेस्टेड वीडियो होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फेक वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ 100% टेस्टेड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मेरे पास एक टूल है जिसको इजी फ्रॉमवेयर ने बनाया है, तो इस टूल के मदद से मैं आज इसका FRP रिमूव करूँगा, ठीक है। देखिए, एक बार मैं तो यहाँ पर FRP बाईपास पे क्लिक किया, बाईपास FRP पे क्लिक किया, यहाँ पर जो मेरा USB ड्राइवर है यह इंस्टॉल नहीं है बता रहा है, ठीक है। तो इसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके PC में इंस्टॉल नहीं है तो आप लाजमी इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इसको कनेक्ट करने से पहले मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट रहना ज़रूरी है, ठीक है। मोबाइल आप वाईफाई से कनेक्ट रखिएगा ऑन कंडीशन में, USB लगा के ऊपर बाईपास FRP या FRP बाईपास पर टिक करिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक इसका यहाँ पर रीड इन्फो होगा। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजी फ्रॉमवेयर का एक पेज खुला है। पेज मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है जहाँ पे व्यू और कैंसिल का बटन है, ठीक है। तो वहाँ पे तो मैं व्यू करूँगा। व्यू करके बाकी प्रोसेस आपको पता ही है। ऊपर पे VNROM से हम दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, देन उसकी मदद से हम इसका FRP रिमूव कर देंगे। मेन मुद्दा वही होता है इसका, गूगल क्रोम ओपन कैसे करें, ठीक है। ठीक है, तो इस टूल की मदद से गूगल क्रोम को बहुत ही आसान तरीके से वन क्लिक में उसका जो गूगल क्रोम है ओपन हो जाता है। आप इससे आप सेटिंग भी ओपन कर सकते हो और कोई भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, बाकी प्रोसेस आगे है, आपको पता ही है उसको क्या करना होगा। तो वीडियो को देखिए, प्लीज़ लास्ट तक देखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।